ऐसे प्रोग्राम हैं एमबीए के अंदर जिसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही जॉब पर चला जाता है। फायदा इस प्रोग्राम का ये है कि स्टूडेंट अपनी फीस सेकेंड सेमेस्टर से खुद ही पे करने लग जाता है, उसको पेरेंट्स से नहीं मांगने पड़ते उसको पैसे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो स्टूडेंट अपनी 2 साल के अंदर जो उसने फीस दी है वो 1-1.5 साल में निकाल लेता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजदत्त प्रसाद और आज मैं आ गया हूँ जेएनए यूनिवर्सिटी पंजाब और आज हमारे साथ है डॉक्टर समीर वर्मा, जेएनए के डीन है एमबीए कोर्स का। सर आपसे मुझे कुछ बातें करनी थी और मैं बहुत स्टूडेंट से भी मैं सुन रहा था कि एमबीए के स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग जा रहा है, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसके बारे में जानने के लिए। तो सर आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेएनए यूनिवर्सिटी के अंदर। आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ का वीडियो शूट करने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे हमारे पास ऐसे प्रोग्राम हैं एमबीए के अंदर जिसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही जॉब पर चला जाता है। वो प्रोग्राम है एमबीए इन बीएफएसआई। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का। उसके अंदर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर पढ़ेगा स्टूडेंट और उसे बैंकिंग प्रोफेशनल्स पढ़ा रहे हैं, ऐसे बैंकिंग प्रोफेशनल्स जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल से रिटायर्ड हुए हैं, वो यहाँ पर आकर पढ़ाएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं और बाय मैक्सिमम 31 जनवरी तक अगले सेमेस्टर के वो जॉब पर चले जाते हैं। और हमारा थर्ड बैच है जो इस टाइम ये पास आउट हो रहा है और बच्चे अलग अलग बैंक जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, ऐसे बैंक्स के अंदर प्लेस हुए हैं एज ए लोन अप्रूवल ऑफिसर, एज ए क्रेडिट कार्ड ऑफिसर, अच्छी पोस्ट पे प्लेस हुए हैं। और उसके साथ साथ उनकी एमबीए की स्टडीज चलती हैं, वो सैटरडे और संडे ऑनलाइन उनकी क्लासेस लगती हैं और ये रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम नहीं है। ओके, एंड सर अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो जैसे आपने बताया कि सैटरडे संडे ओवरऑल क्लासेस चलती है, ठीक है, तो इनका एग्जाम्स का क्राइटेरिया सर कैसा होता होगा? वो भी ऑनलाइन होता है? जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, बट जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन होंगे, कैंपस आके देगा स्टूडेंट। और वो हम ऑफलाइन एग्जाम्स भी उनकी जो हॉलीडेज होती हैं सैटरडेज को उनको कंसिडर करके हम यहाँ एग्जाम रखते हैं। ओके, एंड सर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जैसे एज अ डीन सर आपको पता होगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज कैसा होता है, मतलब बेसिकली यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं एमबीए में वो ओवरऑल पंजाब से रहते हैं या अदर स्टेट्स के भी रहते हैं? नहीं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, पंजाब से, हिमाचल से, J&K से, बिहार से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। बिहार से स्टूडेंट हैं अजय कुमार, वो कटिहार से हैं और इस टाइम वो बंधन बैंक के अंदर लोन अप्रूवल ऑफिसर लगे हुए हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा इस प्रोग्राम का ये है कि स्टूडेंट अपनी फीस सेकेंड सेमेस्टर से खुद ही पे करने लग जाता है, उसको पेरेंट्स से नहीं मांगने पड़ते उसको पैसे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फीस की बात आई गई है तो सर हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या फीस स्ट्रक्चर है सर एमबीए का यहाँ पर? जो एमबीए बीएफएसआई है उसका फीस स्ट्रक्चर है 80,000 पर सेमेस्टर, तो टोटल 3,20,000 स्टूडेंट देता है। प्लस अगर वो हॉस्टल लेता है, एक सेमेस्टर से हॉस्टल में रहना पड़ेगा, 45,000 हॉस्टल का है। तो अगर हम बिजनेस टर्म्स में बात करें आरओआई के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो स्टूडेंट अपनी 2 साल के अंदर जो उसने फीस दी है वो 1-1.5 साल में निकाल लेता है। तो स्टूडेंट की पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है, 2 ईयर्स के अंदर अंदर उसके सारे के सारे पैसे उसे वापस आ जाते हैं। जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पर वो ओवरऑल सारे इसी एरिया पंजाब के अंदर ही होंगे? देखिए, हम जैसे जो स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट आते हैं उनको हम 2 ऑप्शंस देते हैं कि या तो वो चंडीगढ़ या NCR रीजन के अंदर जॉब कर सकते हैं। बैक टू कॉलेज पर इजी होता है? हाँ जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि जैसे ये पीछे फोटोज हैं तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स की हैं जो एमबीए बीएफएसआई में प्लेस हुए हैं। सर तो ये तो एमबीए बीएफएसआई का हुआ और सर अदर स्पेशलाइजेशंस क्या ऑफर किए जाते हैं? इस बार हमने एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स शुरू किया है, बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स है और उसके लिए हमने टाई अप किया है बहुत बड़ी कंपनी के साथ, अपग्रेड का। अपग्रेड कैंपस के साथ हमारा टाई अप है, अपग्रेड का नाम आप सबने सुना होगा। तो उसके अंदर स्टूडेंट जो है 3 सेमेस्टर्स यहाँ पढ़ता है और उसे बेसिक सब्जेक्ट GNA बिजनेस स्कूल की फैकल्टी पढ़ाती है और जितने बिजनेस एनालिटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं वो अपग्रेड की फैकल्टी यहाँ पर आके पढ़ाएगी। थर्ड सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट 4 सेमेस्टर में
चला जाता है OJT पे। OJT कहते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर, जिसके अंदर ही और शी विल अर्न 20,000 पर मंथ, और साथ में उसे PPO मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर उसी कंपनी का। जैसे उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है वहां पर उसकी कंफर्मेशन हो जाती है, उसमें मिनिमम पैकेज 6-7 लाख से शुरू हो जाता है। और फी स्ट्रक्चर सर सेम ही है, उसका भी 80,000 पर सेमेस्टर ही है फी स्ट्रक्चर। एंड सर एक आपसे मैं एक प्रश्न एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अभी सर ओवरऑल एक दिन मैंने यहाँ स्पेंड किया, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, सबका एक्सपीरियंस बहुत काफी अच्छा है। ओवरऑल मैंने जब कैंपस विजिट किया है तो क्योंकि मैं ओवरऑल बहुत सारे कैंपस विजिट करता हूँ, तो जो फी स्ट्रक्चर के तौर पर मतलब जितना आपको एक्सपोजर बच्चों को दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा लगता है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है ना, तो सर इसको कैसे मैनेज होता होगा सर? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। GNA यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ बैक्ड बाय ग्रुप कॉल्ड GNA गियर्स। बेसिकली हमारी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया के अंदर भी OEMs को ट्रैक्टर ऑटो कंपोनेंट्स ट्रक्स को सप्लाई करती है। तो एक इंडस्ट्री बैक्ड ग्रुप होने की वजह से स्टूडेंट को उस तरह का एक्सपोजर मिलता है जिससे उसको जॉब मिले। हमारा करिकुलम ऐसा डिज़ाइन किया हुआ क्योंकि बींग एन इंडस्ट्री हमें पता है कि स्टूडेंट को हम क्या पढ़ाएं ताकि उसको आगे जाकर इंडस्ट्री में जॉब मिले। इसी वजह से हमारी एक्टिविटीज़, हमारा करिकुलम, फैकल्टी ओरिएंटेशन भी इसी तरह से की जाती है। एंड सर एडमिशन प्रोसेस कैसे होता होगा स्टूडेंट्स का यहाँ पर? अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत कंपलसरी होता है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर हो जाता है? MBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम है जिसे हम GUMAT कहते हैं, तो GNA यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी। बाकी सब कोर्सेज के लिए टेस्ट है GUSET, GNA यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू स्टूडेंट 15% से लेके 45% तक स्कॉलरशिप ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये वाली स्कॉलरशिप पूरे सेमेस्टर पूरे कोर्सेज के लिए मिलती है, पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए। फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर? हाँ जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में मिलेगी, पूरे कोर्स ड्यूरेशन के अंदर मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन है, स्टूडेंट कैन विजिट आर वेबसाइट, वहां पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और या फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? और सर अगर मैं, जैसे आपने इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के बारे में बताया, ठीक है, और सर कुछ अगर मैं प्लस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, जो स्टूडेंट्स बाहर से अगर यहाँ पर लाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली दिल्ली NCR एक लोकेशन है और ये पंजाब में GNA जहाँ पर एक लोकेशन है, तो लोग अगर प्रीफर करेंगे तो दिल्ली से अगर ज़्यादा प्रीफर इधर GNA को करें तो उसके पीछे कुछ ऐसा रीज़न होगा सर? मैंने आपको बताया सबसे फॉरमोस्ट हमारा जो एडवांटेज है वो इंडस्ट्री बैकग्राउंड का है। तो इंडस्ट्री बैकग्राउंड एक मुझे लगता है कि स्टूडेंट को प्रेफर करना चाहिए ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ना जिसके पीछे एक इंडस्ट्री की पूरी बैकिंग है। दूसरा हमारा फोरमोस्ट, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, स्टूडेंट्स की हमेशा स्टूडेंट एक्सपीरियंस को कैसे बेटर करना है, वही सबका यहाँ पर, चाहे वो हेड है, चाहे वो डीन है, चाहे वो वाइस चांसलर सर हैं, सबका यही रहता है कि मैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस को बेटर कैसे करना है। तो ये एडवांटेज है स्टूडेंट के, जिसे हम कहते हैं सुनवाई है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ उनको यही लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं है। टीचर से बात करके या हेड डीन तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह के उसके ग्रीवियंसेज हों या इनपुट्स हों उसको हैंडल किया जाता है। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, कि बेसिकली जब यहाँ पर लोग MBA में एडमिशन जो लेते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल कितने का सीट इनटेक यहाँ पर अवेलेबल रहता है? टोटल जो हमारा इनटेक है वो 120 सीट्स का है। तो ये सिर्फ MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में या अदर स्पेशलाइजेशन? टोटल सारा का सारा मिलाकर जो 120 का है, क्योंकि हम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लेते हैं। देखो, जिसका हम एडमिशन कर रहे हैं MBA बैंकिंग में या MBA बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, या हम MBA डिजिटल मार्केटिंग भी दे रहे हैं अपग्रेड के अंदर, तो उसके अंदर हमारी गारंटी है उसकी जॉब लगवाना। तो जब हम जिसकी जॉब लगवाएंगे, हम सिलेक्ट करके लेंगे ताकि उसकी जॉब लग जाए। एंड ये एक रीज़न है क्योंकि जितने भी बड़े मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, किसी का भी इंटेक सर 300-400 से ज़्यादा नहीं होता, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनका इंटेक 900-1000 स्टूडेंट्स का हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड सर इसी के साथ इस कन्वर्सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। थैंक यू जी, थैंक यू।
ओवरऑल सर मेरा एक लास्ट एक टैगलाइन है मेरे चैनल का सर, वो है पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं सर चाहता हूँ कि आप एक बार स्टूडेंट्स के लिए सर ये बोले, ठीक है, कि पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, लव यू।